बैतूल के जिला अस्पताल में फर्जी नर्स पकड़ाई मरीजों को बेच रही थी दवाइयाँ। बैतूल मामला बैतूल के बड़े जिला अस्पताल का है, जहाँ पर महिला स्टाफ नर्स की यूनिफॉर्म में मरीजों से उगाही करते एक महिला पकड़ाई, जो अपना नाम रंजना मस्कोले बता रही है और भौरा की निवासी। इस महिला को अस्पताल प्रबंधन ने कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया और आगे की कार्रवाई के लिए कोतवाली पुलिस को लिखा। प्राप्त जानकारी के अनुसार बैतूल में मरीजों के नाम इलाज के नाम पर रुपए मांगते हुए एक महिला पकड़ी गई, जिसे अस्पताल प्रबंधन द्वारा कोतवाली पुलिस के हवाले किया गया। बताया जा रहा है कि यह घटना सुबह 10 बजे के लगभग की है, जहां मैटरनिटी वार्ड में एक महिला अपना नाम रंजना मस्कोले बता रही है और पकड़ी गई है, जो कि नर्सिंग ऑफिसर की सफेद यूनिफॉर्म में थी। चिकित्सालय के दवा वितरण केंद्र से वार्ड के मरीजों को पर्ची पर बीटाडीन के ट्यूब सहित अन्य दवाइयां एकत्रित कर रही थी। दवाइयों को बेचने का प्रयास किया जा रहा था। डॉक्टर अशोक बारंगा ने बताया, जिला चिकित्सालय बैतूल में आए मरीजों से ऑपरेशन कराने और इलाज के नाम पर यह महिला पैसे मांगती थी और यूनिफॉर्म का गलत इस्तेमाल कर मरीजों के बीच भ्रम फैला रही थी तथा शासकीय दवाइयां प्राप्त कर उन्हें बेचने का प्रयास कर रही थी। महिला अपना नाम बार बार अलग अलग बता रही थी। डॉक्टर रानू वर्मा ने बताया कि विगत कुछ दिनों से लगातार जिला चिकित्सालय बैतूल में इलाज के नाम पर रुपए मांगे जा रहे थे, जिसकी शिकायत प्रबंधन को प्राप्त हो रही थी, जिसकी वजह से बाहरी तत्वों पर अस्पताल प्रबंधन द्वारा सतत निगरानी रखी जा रही थी। आज कार्रवाई के तहत रंजना मस्कोले नाम की अज्ञात महिला पकड़ी गई, जिसे कोतवाली पुलिस के हवाले किया गया है। बताया गया कि महिला ऑफिसर की सफेद यूनिफॉर्म में अक्सर मैटरनिटी, सर्जिकल, शिशु एवं पीएनसी वार्ड में पैसे मांगते देखी गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एके तिवारी ने बताया कि यह घटना की जानकारी पहले से थी कि कोई बाहरी व्यक्ति मरीजों से पैसे की उगाही कर रहा है, जिसमें बार बार घटना घटित न हो, जिसके लिए अनुशासनात्मक एवं दंडात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। बाहरी तत्वों द्वारा जिला चिकित्सालय बैतूल में इस प्रकार की अनावश्यक दखलअंदाजी, रुपए मांगना, बार बार मरीजों को इलाज के नाम पर परेशान करना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ कब से काम कर रहे हैं सर? 8-1 दिन हो गए सर। किस प्रकार मरीजों से बात करते थे? कितने मरीजों से बात हुई अभी तक? क्यों कर रहे थे काम? गलती हो गई सर मेरी। मामला ये है कि विगत कुछ दिनों से, बल्कि कुछ माह से बार बार हॉस्पिटल में ये खबर आ रही है कि इलाज के नाम पे पैसे मांगे जा रहे हैं, ऑपरेशन के नाम पे पैसे मांगे जा रहे हैं, सीजर जो पेशेंट होते हैं उनके लिए पेशेंट पैसे मांगे जा रहे हैं, छोटे बच्चों के इलाज के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं। तो हॉस्पिटल प्रशासन बहुत दिनों से ये सब चीज़ों पर नज़र बनाए हुए था, कर्मचारी नज़र बनाए हुए थे। तो हमें पता लगा कि एक महिला है जो नर्सिंग ऑफिसर की ड्रेस में, वाइट कलर की ड्रेस में आती है और विभिन्न वार्डों में जाती है, इवन जो ज़्यादातर वो मैटरनिटी वार्ड या जो बच्चा वार्ड रहता है उसमें घूमती पाई जाती है, और वो लोगों से ऑपरेशन करवाने के नाम पे, ऑपरेशन जिनका हो चुका है उनकी केयर के नाम पे, बच्चे जो छोटे नवजात शिशु हैं, छोटे बच्चे हैं उनकी केयर के नाम पे, जो ऑपरेशन हो चुके मरीज हैं उनकी ड्रेसिंग के नाम पे, उनको दवाइयाँ देने के नाम पे वो पैसे लेती है। कितने पैसे लेती है यार? वो उन्होंने ऐसा है कि वो जिससे जितने पैसे मिल जाए, 500 से लेके 2,000-5,000 रुपये तक की वो डिमांड करती है, और लोग क्या है काम करवाने के लालच में उनके बहकावे में आ जाते हैं और पैसे दे देते हैं। और बिल्कुल जो है मतलब इस तरीके में, क्योंकि वो दवाइयाँ जो है अपने पास से ला के देती है, उसके वजह पैसे लेती है, गलत दवाइयों के वितरण, निसंदेह जान का खतरा हो सकता है, खासकर नवजात और जो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट रहते हैं उनके लिए बहुत खतरनाक है। साथ ही ये माना जा रहा है कि ये यहाँ से जो दवाइयाँ और इंजेक्शन हैं वो भी ये निकाल के और बेच देती है। अभी ये मामला हमने पुलिस के हवाले कर दिया है, पुलिस को सूचना दे दी है कोतवाली पुलिस को, और वो इसकी जांच कर रही है, आगे की जानकारी आप उनसे ले सकते हैं।